दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 7 मई 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 9:57, और मैं आ गया हूँ दोस्तों मटियाला रोड पे हूँ। ये मटियाला रोड है और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। अभी साइड में गाड़ी लगा दी थी क्योंकि थोड़े से रोड ऊबड़ खाबड़ थे। मैं वीडियो सोच रहा था करने की, गाड़ी साइड में रोक के बैठा है, यहाँ पर वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पर मटियाला का स्कूल है, स्कूल के जस्ट सामने खड़ा हूँ। और लास्ट स्टॉप किया था मैंने दोस्तों उत्तम नगर में, तो मेरे पास राइड एक्चुअली लोकेशन खत्म हो चुकी थी। साउथ एक्स में खड़ा था मैं, तो एरिया प्रेफरेंस बस 5 मिनट का बचा हुआ था। उसी दौरान मेरे पास ये उत्तम नगर की परमपुरी लिखा हुआ था, तो परमपुरी तो अंदर शुक्र बाजार रोड पे पड़ता है। तो मैंने कहा यार पहले कस्टमर से कंफर्म कर लिया जाए कहाँ जाना है एक्चुअल में, क्योंकि उत्तम नगर में बहुत सी जगह ऐसी है, गलियां हैं जहां पर आपकी गाड़ी भी फंसती है और सवारी भी फंसा देती है और रोड पे उतरना नहीं चाहती। तो इसलिए मैंने जो राइडर थे उनसे पूछा भाई कहाँ पर जाना है, वो कहता भाई बीबी ग्राउंड कोई होटल है वहाँ पर जाना है। तो मैंने कहा ये मेन रोड पे अंदर है, कह रहा भैया है तो मेट्रो लाइन की तरफ ही, वो हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं आता हूँ। मैंने उसी टाइम में फटाफट वो एड्रेस डाला, नेविगेशन देखा, तो मेन रोड का ड्रॉप था। मतलब जैसे हम पंखा रोड से लेफ्ट कटते हैं, लेफ्ट कट के मेट्रो लाइन पे आते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। मतलब तो आर्य समाज मार्केट से जस्ट मतलब आप ये लगा लीजिए क्रॉस करके फिर ये लोकेशन थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वहाँ पर फटाफट मैंने ड्रॉप कर दिया, नहीं तो घर की लोकेशन देखते हैं। तो घर की लोकेशन आपको पता है डायरेक्ट देता नहीं है, ऊपर कई तरीके के वो देता है, उलझनों में फंसा देता है जब तक आपकी डेस्टिनेशन ख़त्म ना हो जाए, या फिर आपको 20 से 22 किलोमीटर खाली लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये घुमाता रहेगा। जहाँ की आपको चाहिए वहाँ की नहीं मिलेगी, और जहाँ की जिस टाइम चाहिए होगी वहाँ की वो देगा नहीं। ऐसा होता है कि जब हमें काम करने नहीं चाहिए तो हमें लंबी लंबी बुकिंगें मिलती है, और जब हम काम करना चाहते हैं हम इंतजार करते हैं कि भाई अब लंबी दे दे, अब यहाँ की दे दे, वहाँ की दे दे, तब आपको नहीं देगा। तो ये सभी के साथ होता दोस्तों। तो इत्तेफाक था उत्तम नगर की मिल गई तो मैंने पकड़ लिया। मैं कहा यार घर के पास पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों मैं निकला था, तकरीबन 9:45 निकला था, और 9:45 निकल के मेरे पास पहली बुकिंग आई कौरी गणेश अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 3 से। सीधा आई थी साइबर सिटी की, 281 रुपीज़ दिखा रहा था, और कस्टमर को फ़ोन किया तो कस्टमर ने अंदर बुलाया मुझे, अंदर बुला के वेट करने लगा। तभी रैपिडो में दोस्तों देखो, रैपिडो में कई बार अच्छे भी रेट देता है पर कई बार ख़राब भी देता है। 393 रुपये साइबर सिटी के दिखा रहा था, ठीक है, और ओवर की जो मैंने ली थी 281 की। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो दोस्तों आज गुड़गांव में 2 दिन से मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा पड़ा है, कापासेड़ा वाली साइड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हालांकि राइडर का बिल बढ़ गया था, 326 रुपये मुझे मिले, 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिलेगा अगले दिन 6 बजे, तो 426 रुपये उसमें मिले। उसके बाद मैं यू ब्लॉक चला गया था, यू ब्लॉक से मेरे पास तुरंत मायापुरी की बुकिंग आ गई। मैंने सोचा भाई यहाँ से निकल लो, और दोस्तों जब भी गुड़गांव आओ तो कोशिश करो दोस्तों 10 बजे से पहले आप निकल जाओ, अदरवाइज आप नहीं निकले तो आप फिर यहीं के होकर रह जाओगे, फिर आपका आधा दिन पूरा यहीं में 3 बजे के बाद आप जाओगे। तो इसलिए अगर आप सुबह के टाइम आते हो, ये जानकारी मैं कई बार दे चुका हूँ दोस्तों भाइयों को, बहुत से भाई फंस जाते हैं, नए हैं इस लाइन में आते हैं बट फंस जाते हैं, गुड़गांव में ही ठहरना पड़ जाता है 4-5 घंटे, फिर उनका पूरा जो एक एक्साइटमेंट होती है ना अर्निंग करने की, कमाने की, रिदम की, तो वो सब निकल जाता है साइड में, फिर बंदा सीधा घेर लगाता है घर की तरफ। तो फिर ऐसे काम करने नहीं है हमें, अगर इस लाइन में काम कर रहे हैं तो सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पर हमें किस टाइम पे होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो गुड़गांव में बेसिकली अगर आप सुबह जा रहे हैं 8 से 10 के बीच में, तो 10 बजे तक दोस्तों 10:30 लास्ट है, वहाँ से किसी भी तरीके से लोकेशन डालो, एरिया प्रेफरेंस लगाओ। तो जितना आप देखिए लोकेशन लगाओगे तो आपको डायरेक्ट लोकेशन भी मिलेगी, एरिया प्रेफरेंस भी लगाओगे उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, दिल्ली साइड की राइड आ जाएगी, और कई बार बिना लोकेशन डाले भी दिल्ली साइड की आ जाती है। तो कोशिश करो दिल्ली की तरफ ही अपनी गाड़ी का रुख कर लो। अगर गुड़गांव में आप मानेसर साइड या इस साइड एक आध राइड देखो अच्छे रेटों की मिलेगी, उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा टाइम खराब है। तो टाइम को ख़राब नहीं करना, यूटिलाइज करना है, और दिल्ली में आपको एवरग्रीन है, हर टाइम बुकिंग है, हर इलाके से बुकिंग है, क्योंकि हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बाजार है, BBR है, कोर्ट है, स्कूल है, रेजिडेंस है, अपार्टमेंट्स हैं, जिम है, बहुत सारी जगह हैं दोस्तों, पार्क हैं, वहाँ से भी आ जाती है बुकिंग, बहुत सारी मतलब
अनलिमिटेड कुछ लोकेशन तो इतनी हॉटस्पॉट रहती है जहाँ पर सर्च लगा रहता है एनी टाइम, जैसे कि साकेत मालवी नगर चले जाओ आप, नेपसराय चले जाओ, मैदानगढ़ी, इग्नू रोड, छतरपुर, ये सारे हॉटस्पॉट एरिए हैं जहाँ पर आपको सर्च भी मिलेगा और साथ साथ इसमें गिफ्ट में सर्च के साथ आपको जैम भी मिलेगा। तो इन लोकेशन पर भाई मैं जाता हूँ तो जैसे चला गया तो पास की ही कोई आगे बुकिंग तो ले लेता हूँ, अदरवाइज वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि जाम में फंस के जाना, जब तक आप आधी दूर जाओगे नहीं उससे पहले राइडर कैंसिल कर देता है, फिर हमें गुस्सा आता है कि साला हमें जाम में फंसना पड़ गया राइडर की वजह से। तो ऐसे काम हमें करने नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है और कोशिश करनी है जहाँ साफ लोकेशन हो वहीं पर जाओ और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के अपने घर की तरफ बोलो। तो दोस्तों मेरे पास जब आई थी बुकिंग आपका, पहले मैं इधर गया था, क्या कहते हैं पहले कहाँ, अभी मैंने बताया था मेरे पास आई थी गुड़गांव की, गुड़गांव से मायापुरी आ गया, मायापुरी से फिर मेरे पास आ गई थी दोस्तों बुकिंग आपका सीधा ओखला फेज टू भी। तो ओखला छोड़ा, ओखला के बाद फिर मेरे पास आ गई एम्स, एम्स के बाद दोस्तों सीएनजी बड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है, 95 किलोमीटर पर लास्ट के दो पॉइंट पर आ गई थी, क्योंकि मेरी क्या है कि 1.5 घंटे में मैंने गुड़गांव छोड़ा था, तो गुड़गांव छोड़ते वक्त बहुत ज़्यादा सीएनजी लग गई, आज गर्मी भी 42 टेम्परेचर है दोस्तों, तो अब ये लगा लीजिए बचत बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो गुड़गांव से आया फिर यहाँ पर एम्स से सीएनजी डला, इसके बाद डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया चला गया, मॉल ऑफ इंडिया से फिर 1.5 घंटा ख़राब हुआ, उसके बाद मेरे को सीधा गुड़गांव की राइड मिल गई। तो गुड़गांव सिविल लाइन्स छोड़ा, सिविल लाइन्स के बाद मेरे को सीधा मिली इधर की क्या कहते हैं आपका श्री फोर्ट रोड की, वहाँ से फिर साउथ तक से यहाँ। तो इतना ही दोस्तों घूमा हुआ आज, पर इतने घूमने में है ना जो बैक है इसका बैंड बच जाता है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं और निकला था 9 बजे, तो 13 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर और मोस्टली रैपिडो के बारे में, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैपिडो का। आप सोचते होंगे महेश भाई बहुत तारीफ करते हैं रैपिडो की, और नहीं दोस्तों देखिए तारीफ हम उबर की भी करते हैं, ओला की भी करते हैं, जो हमें अच्छा फेयर देते हैं, हमें अच्छा प्राइस देते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये भाई सबकी गाड़ी निकलनी है तो जरा गाड़ी को हटा दी जाए, इनकी बस है कोई आ गए हैं, तो थोड़ा से पीछे कर लेते हैं, सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, सामने दिख रहा है मेरे को, पीछे कर ली हमने गाड़ी, तो इनको जाने देते हैं, इनकी बस है निकल रही है, कहीं जाना होगा भाई सामने रात को। तो दोस्तों आप यही सोचते होंगे महेश भाई रैपिडो की तारीफ ज़्यादा कर रहे थे, तो देखिए मैं हर कंपनी की चाहे ओला हो उबर हो जो भी ड्राइवर्स की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही बात करता हूँ और बताता हूँ कि ये दिक्कतें होती हैं, चाहे वो इन ड्राइव भी हो, चाहे इन ड्राइव की हम बात ही नहीं करते, इन ड्राइव ने बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब कर दी है। तो अभी बात करें रैपिडो की, तो दोस्तों अभी रैपिडो आपने देखा ही होगा एक लोएस्ट गारंटी दे रहा है, मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा लोएस्ट गारंटी आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट चल रही है ठीक है। तो राइडर को लुभाने के लिए अब हो क्या रहा है कि दोस्तों जितना हमें एक्चुअल में फेयर दिखाया जाता है हमें आजकल वो नहीं मिल रहा है ठीक है। ये चीज़ स्टार्ट पहले उबर ने करी, ओला ने भी कर रखी है, और यही चीज़ अब स्टार्ट कर दी इसने रैपिडो ने। तो हुआ यही कि दोस्तों जो फेयर आना चाहिए, देखिए मैं मतलब मेरे एक मित्र हैं उनके साथ आज सुबह हुआ, उनको मतलब एयरपोर्ट की साइड में ड्रॉप किया था, 489 रुपये उन्हें दिखाया गया था, 489 के बाद जब उन्होंने कुछ भी रूट चेंज नहीं किया, बस जिस गली से जब वो निकले थे उस गली से दूसरी गली से पहुंचे ठीक है, बस ये इतना ही डिफरेंस था, सेम रूट फॉलो करके आए हैं, तो वही बिल आपका 489 से हो गया 420। तो आप ये सोचिए देखिए आपको मतलब चाहे उबर हो ओला हो या अभी रैपिडो भी करने लगी, तो प्राइस ज़्यादा दिखाया जा रहा है और जब आप ट्रिप एंड कर रहे हो आप कुछ भी रूट चेंज नहीं कर रहे उसी उसमें आपका प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस तरीके की चालाकी कर रहे हैं फेयर ज़्यादा दिखाकर, मतलब ज़्यादा देख के हम लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अच्छा खासा फेयर मिल रहा है रैपिडो में तो फटाफट क्लिक कर लो, 0% कमीशन है, ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा जाएगा। और जब उन भाई साहब ने ड्रॉप किया तो 420, अब आपको सोचो दोस्तों आप रूट फॉलो करके आ रहे हो और आपको 489 की आपको उम्मीद है, आपको और ज़्यादा की उम्मीद है कि भाई हो सकता है 10-20 रुपये ट्रैफिक में और ज़्यादा बढ़ जाए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ हो रहा है कम
तो उस भाई ने फिर कंप्लेंट करी कस्टमर सपोर्ट में, पर कस्टमर सपोर्ट ने ये बोला आपने रूट फॉलो नहीं किया। तो सिर्फ एक गली का डिफरेंस था दोस्तों। ठीक है, कई बार हम गली में घुस जाते हैं तो हम फिर वहाँ से एग्जिट दूसरी गली से निकलते हैं, बस यही हुआ था। बाकी उसने रूट पूरा का पूरा वही फॉलो किया, उसी के चक्कर में उसके मतलब 60 रुपये 60 रुपीज़ कम फेयर बना। तो इस तरीके की दोस्तों अभी रैपिडो चालू चालाकी करने लग गया है, और ऊबर ओला तो आपको पता ही है, वो तो है ही, कर देते हैं। पर ऊबर ये होता है कई बार ट्रैफिक में बढ़ा भी देता है, बट बहुत ही रेयर चांस होता है कि बढ़ा देता है दोस्तों। तो आजकल इस तरीके की दोस्तों चालाकी नोट की जा रही है, रैपिडो ने भी चालू कर दिया है। तो जो भी भाई बुकिंग्स ले, थोड़ा ध्यान से रेट अपना देख के, और अगर आपको डिफरेंसेस लगता है तो उसकी कंप्लेंट भी करना साथ में। कंप्लेन देखिए, हम ऊबर में करते हैं तो ऊबर में हमें रिवर्स मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि कस्टमर सपोर्ट में आपको खुद डायरेक्ट बात करनी पड़ती है, तो बात करके क्या सोल्यूशन रहता है। आप भी अपना कमेंट्स करके दोस्तों मुझे बताना कि भाई रैपिडो में क्या सीन है, मतलब कंप्लेंट करते हैं तो उसमें फेयर दे दिया जाता है या नहीं दिया जाता। क्योंकि अभी तक मेरे साथ तो हुआ नहीं है, पर मैं भी अब चेक करूंगा। 10-20 रुपये का होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, पर ज़्यादा अगर होगा तो फिर मैं भी एक बार बात करके देखूंगा। तो जिसकी भी भाई के साथ हो रहा हो, अपना फीडबैक ज़रूर मेरे को बताएं दोस्तों कमेंट्स करके। आपके कमेंट्स से और भाइयों की हेल्प मिल जाएगी, और उनको भी पता चल जाएगा कि रैपिडो में अगर फेयर कम बनता है तो उसको हम कैसे अपने मतलब वापस रिवर्स लें। क्योंकि ऊबर में तो पता है राइड में हेल्प में जाके हम लोग कर लेते हैं, और ओला तो ठंडे पस्ते में ही है, इसलिए ओला चलाते भी नहीं है बहुत से भाई। मैं भी नहीं चलाता, मैं सिर्फ ऊबर ही चलाता हूँ, और रैपिडो दूसरा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। बस इन्हीं में ही दोनों में देखते हैं, बट रैपिडो जिस हिसाब से चालाकी भी कर रहा है वो चीज़ गलत है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही कर रहा है या गलत, अपने कमेंट जरूर रखना। तो चलिए आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है दोस्तों, सुबह 9 बजे निकला था, अभी 10 से ऊपर हो गया टाइम, राइट नाउ अभी हो गए 10:09। आपको दिखा देता हूँ, ये 10:09, एक्चुअली स्कैनर लगा रखा है ना, पेमेंट इसी से लेता हूँ। तो 10:09, 9 बजे निकला था, 13 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, और 13 घंटे में दोस्तों काम यहाँ पर दिखाते हैं, 1975 रुपये का मेरा काम है। और आज थोड़ा सा डाउन रहा हूँ क्योंकि लेट निकला था 9 बजे। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप जितनी जल्दी निकलोगे आप उतनी जल्दी अर्निंग कर सकते हो, और अच्छे रेटों की बुकिंग ले सकते हो। जितना लेट निकलोगे उतना आपका काम भी लेट होगा, और प्राइस भी कम मिलेगा, और CNG लगेगी ज़्यादा। तो दोस्तों 1975 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 420 रुपये का टोल मिला है, तो 2000 और प्लस 400 2400 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरी CNG दोस्तों आज गर्मी भी ज़्यादा थी और CNG भी बहुत ज़्यादा लग गई है आज। कल मैंने तकरीबन तकरीबन डलवाई थी 350 की, और आज भी 350 की डलवाई, दिन में 2 बार CNG डल चुकी है। ऑलरेडी 100 की वैले की थी, तो 800 रुपये की CNG थी, 800 में से रेड पे CNG आ गई है, तो 800 में से सिर्फ आप मान के चलिए 100 रुपये की बची होगी, 700 रुपये की CNG मेरी पूरी की पूरी लग गई है। किलोमीटर गाड़ी चली है 215, तो 215 किलोमीटर गाड़ी चली है, और 700 रुपये की CNG लग गई है दोस्तों। तो इसको निकालेंगे हम, बेचेंगे 1700 रुपये, 1700 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे, 100 रुपये का पेट्रोल, तो 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 1400 रुपये। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है मेरी 1400 रुपये की, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपने ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने EMI पे ले रखी है गाड़ी तो वो भी निकालना पड़ेगा साथ साथ, तब जाके आपकी नेट इनकम आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करते हैं हेल्प मिलती है, आगे पहुँचती है वीडियो उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है। मेरी वीडियो में हवा हवाई बातें नहीं होती दोस्तों, मैं जितना काम करता हूँ उसके साथ उसके खर्चे भी दिखाता हूँ, और नेट इनकम कितनी आती है सब कुछ हटा उठ गए तब वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि 4000 काम है 5000 काम है, अरे भाई खर्चे भी तो बताओ, 4000 काम 5000 काम होता भी है कि नहीं होता, एक्चुअल में कितने घंटे में होता है ये भी बताओ। क्योंकि बहुत से भाई दिखा तो देते हैं कि भाई इतना काम है उतना काम है, पर उस काम को करने में कितना टाइम लगता है वो भी, वो कहते ना घोड़े खुल जाते हैं अच्छे अच्छे तो वही चीज़ है। तो इसलिए अपने लिमिट से काम करो, टाइम से घर पहुंचो, जितना आप लिमिट से करोगे तो लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे। ज़्यादा हड़बड़ी मचाओगे, ज़्यादा पैसा कमाना है भाई, 12 घंटे 18 घंटे इतना करना है उतना करना है दोस्तों,
कमर की बैंड बच जानी है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आपके साथ लग जाएगी। जितना आप पैसा कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा आप डॉक्टरों में, देखो मैं नहीं चाहता किसी भी भाई की ऐसी कोई कंडीशन हो, तो इसीलिए कहता हूँ लिमिट। एक शरीर जब तक आपको 10 से 12 घंटे ड्राइव करने का बोलता है बस उतना ही करो, और सुबह अपने एक्सरसाइज चालू करो, मॉर्निंग वॉक जाओ, मैं भी जाता हूँ, तो अपना शरीर ठीक रहेगा, तो आप लॉन्ग टाइम अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हो। नहीं तो आप गाड़ी में ही बैठे रहोगे पूरे टाइम, 18-18 घंटे दोगे तो आपका शरीर बिल्कुल भी, आप ये लगा लो 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही डल हो जाएगा। तो इसलिए अपने शरीर को एक्टिव रखना है, लिमिट से ही काम करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, लालच हमारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो भगवान ने पेट दिया है, बस पेट भरने के लिए जितनी मिल जाए, और अपना खर्चे वास्ते अपना जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो हमारी पूरी हो जाए, बस इतना ही बहुत है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।